साइबर क्रिमिनल लोगों को निशाना बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से पहले ग्रुप बनाए जाते हैं और इसके बाद लोगों को जोड़कर होटल के रिव्यू देने के नाम पर पैसे दिए जाते हैं। जब व्यक्ति इस चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसके बैंक अकाउंट को खाली करने लगते हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पीड़ित ने बताया कि NCR में अभी तक 104 लोगों से ठगी की जा चुकी है। होटल का रिव्यू दो और पैसे कमाओ। सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित AVG हाइट हाउस इन सोसाइटी Jeeta-1 में भानु प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उनको व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक प्राप्त हुआ था। लिंक भेजने वाले ने व्हाट्सएप पर लिखा था, अगर आप होटल का रिव्यू देंगे तो पैसे मिलेंगे, अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगी तो लिंक पर क्लिक कर दो, पहले पैसे कमाए और फिर लुटाए। भानु प्रताप ने बताया कि उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो टेलीग्राम के माध्यम से एक ग्रुप में जुड़े। उसे टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही काफी सारे लोग जुड़े हुए थे। टेलीग्राम के ग्रुप में होटल के कुछ लिंक आते थे, वो लिंक पर क्लिक करके होटल को रिव्यू स्टार देते थे। भानु प्रताप ने बताया कि अच्छा रिव्यू देने के करीब 30 मिनट के भीतर उनके अकाउंट में पैसे आने लगे। सबसे पहले उनके अकाउंट में 5,000 रुपए आए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर 8 और संख्या 16,000 तक पहुंच गई। वो इस झांसे में फंस गए और लिंक पर क्लिक करके रिव्यू देने लगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में उनके अकाउंट से पैसे कटने लगे। सबसे पहले उनके अकाउंट से 20,000 रुपए कटे थे, उसके बाद 45,000 रुपए कटे और फिर पैसे कटने की संख्या बढ़ती गई। ग्रुप में कोई नंबर नहीं था। जब भी ग्रुप में इस बारे में कोई बातचीत करता था तो बताया जाता था कि कुछ घंटे का दिनों के भीतर अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वह साइबर क्रिमिनलों के चक्कर में फंस गए और बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए गंवा बैठे। ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने ग्रुप के बारे में जांच पड़ताल की, जिसके बाद पता चला कि NCR में करीब 104 लोग उनकी तरह पीड़ित हैं। उनके अकाउंट से तो 13 लाख रुपए पर कटे हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जिनको 45 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक का चूना लगा है। पीड़ित ने सूरजपुर कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला साइबर सेल को भी भेज दिया गया है। साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर का एक बड़ा मुद्दा। साइबर क्रिमिनल लोगों को निशाना बनाने के लिए